हैं, तो आज के वीडियो के टाइटल से तुम्हें पता तो लग ही गया होगा, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। सो मैं ट्राई करूंगा कि कॉलेज के हमारे जो जो इंसिडेंट्स होते हैं सही सही ऑलमोस्ट सारा दिन ही तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ दोस्तों से भी मिलवाता हूँ जो नए बने हैं हम लोग, मतलब सारे बच्चे मैक्सिमम 26 को आए थे, 25th को हम सिर्फ 4 बच्चे थे पूरे बॉयज हॉस्टल में, आज तो फिर भी काफी आ गए हैं। कमरे की स्पेसिफिक वीडियो भी, मेरा रूममेट आया नहीं है तो कमरे की स्पेसिफिक वीडियो बाद में बनाते हैं जिसमें मतलब पूरा रूम दिखा देंगे तो तुम्हें कैसा सेटअप है। बाकी बाहर का भी मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ और दोस्तों से भी मिलवा देता हूँ। ये रही हॉस्टल की बैल्कनी से व्यू, वही हॉस्टल है सेम जो मैंने तुम्हें अपने दूसरे व्लॉग में दिखाया था हॉस्टल वाले में। सामने वो सीनियर्स का हॉस्टल है, वो भी सीनियर्स का हॉस्टल है, और ये हमारे हॉस्टल की बैल्कनी में मतलब एक आधे बच्चे खड़े अपना काम को कर रहे हैं। और ये जो बैल्कनी है मतलब दो रूम्स की कॉमन है, सो मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी सही हॉस्टल है अगर सिंगल बच्चे को मिले। अभी इन्होंने टेम्परेली दो दो बच्चे रखे हैं कि रूम्स अभी इनके पास इतने हैं नहीं, कोविड के कारण जो दूसरा हॉस्टल बन रहा था वो बन नहीं पाया। तो चलो पहले चलते हैं दोस्तों से मिलवा देते हैं। और ये रहा वो व्हाइट कोट जिसके लिए पिछले 2 साल इतनी मेहनत करी, आज फाइनली पहले दिन डालने को मिलेगा। तो आप हमें पहले कुछ दोस्तों से भी मिलवा देते हैं। इनसे मिलो, मिस्टर योगेश। ओए वीर जो सर। हेलो। मतलब यार तुम सोचो 27th है, 25th को पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था, हम सिर्फ 4 बच्चे थे, एक और चौथा है वो अभी तैयार हो रहा है, उससे बाद में मिलवा देते हैं नीचे। बाकी अभी यहाँ से तैयार तो हो ही गए ऑलमोस्ट सारे, तो मैस चलते हैं, मैस दिखा देते हैं वहां से, फिर बाकी तुम्हें सारा दिन ऑलमोस्ट आई ट्राई की कवर करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ सारे लैब को डाल के तैयार हो गए। ये रहा चौथा बंदा सनमन भाई, मिल लो। फिर बस सारे 10-20 मिनट रह गए, क्लास शुरू होने वाली है, मैस की तरफ चलते हैं। चलो चलो। बच्चे तो यार ऑलमोस्ट सारे आ गए, 125 जितने पहले थे वो डाइसेक्शन हॉल में गए, बाकी के 125 यहाँ पे लेक्चर थिएटर में आए हैं। पता नहीं कोई सीनियर खड़े थे लग रहा है। देखो आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कौन सा टीचर आता है। ये देखो साफ साफ पता लगता है लड़के कितने पढ़ते हैं। लड़कियाँ देखो, लड़के देखो, लड़कियाँ देखो, लड़के देखो, फर्क दिख रहा है। पढ़ लो तुम भी, पढ़ लो जो देख रहे हो। देखो योगेश साहब दसो कितना लग रहा थानू पहले दिन लेक्चर हॉल च बैठ के। फिलहाल तो वेले बैठे लग रहा, कुछ रहा नहीं, फोन ही चला रहे हैं। वैसे चंगा लग रहा, कैसी फीलिंग आ रही थानू अंदरों? फीलिंग वधिया ही है, 6 महीने बाद किसी क्लास च बैठे आ गए। चलो जी वधिया गल है जी। सनमन साहब थानू किस तरह लग रहे हैं? बस घर पर ही लग रहे हर माहौल। उस तो बाद एक्सरसाइज, योगा, व्हाटएवर यू वांट, वॉकिंग, जिम, साइकिलिंग, रनिंग, जिम ओपन। A few moments later. मैंने पहले भी बोला था पर एक बार फिर देख लो डिफरेंस, देखो लड़कियां कितनी हैं, अरे 4 लड़के खड़े हम। फिर कह रहा हूँ पढ़ लो यार, कुछ भला ही हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ये देखो यार डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियां सारी बेइज्जती, लड़के बटा के रखे हैं। कैसा लग रहा है योगेश? बुरा लग रहा है ना? बुरा लग रहा है यंगस्टर भाजी? बुरा लग रहा है, चंगा लग रहा है?
बहुत बुरा लग रहा है तरनवीत भाजी, बुरा लग रहा है, चंगा लग रहा है ना? सही गल है कितने, कोई नहीं कोई नहीं, सारे मुंडे बिठा के रखे जी, कुड़ियाँ भेजतियाँ। किदा लग रहे माई फ्रेंड? मायूसी लग रही है ना? कितने नहीं। A few moments later. फोटो दिखा दे साइड आदि देख लो भाई, हेमेटोलॉजी लैब सनमन। थैंक यू भाजी, थैंक यू। यार आज टूर ऑफ कॉलेज करा रहे थे, पता नहीं कुछ हुआ तो है नहीं, बस दिखाई गई यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, कुछ समझ तो आया नहीं। अब वापस डी हॉल में, 12 बजने वाले हैं, इसके आगे 15 मिनट की ब्रेक होगी आई थिंक, उसके बाद फिर से फाउंडेशन वाले कोर्सेज ऑडिटोरियम में। फाउंडेशन वाले कोर्सेज सही होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं फिर तुम्हें, ऑडिटोरियम के भी फुटेज दिखाते हैं। गाँधी ऑडिटोरियम काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी सही, 500 अमेरिका सीट से ज़्यादा बड़ा ऑडिटोरियम है। सो नेक्स्ट पार्ट अभी ऑडिटोरियम को शूट करते हैं, अगर बीच में कुछ हो गया तो वो। I am going to tell you, it is not a exact science like your physics, chemistry and other sciences. फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज के लिए इतना ही था, मतलब ऑल एंड ऑल सारा दिन को अगर समराइज करें, सवेरे 6 बजे के उठे ऑब्वियसली, क्योंकि 8 बजे से क्लास थी तो पता नहीं था कितनी जल्दी निकलना क्या, तो सारे बहुत जल्दी उठे हुए थे। और हमने सामने वाले हॉस्टल में भी जाना था बाथरूम यूज करने के लिए, हमारे वाले के अभी रेडी नहीं है, आज रेडी हो जाएंगे आई थिंक ये। और बातें हुई फिर अलग अलग जो लेक्चर थे वो लगे, फिर मेन अपना डी हॉल गए, डी हॉल में भी आज कुछ हुआ नहीं इतना क्योंकि फर्स्ट डे था आई थिंक। मेन आज के हाईलाइट थे ऑडिटोरियम में गए थे, ऑडिटोरियम बहुत सही था, मतलब 500 सीटर्स से मतलब ज़्यादा का ही था आई थिंक ऑडिटोरियम, और बहुत अच्छा बनाया हुआ था, मतलब तुम आओगे देखोगे बहुत ही अच्छा लगने वाला तुम्हें। बाकी तो हम यहाँ वैसे 25 के आए हुए, रैंक वगैरह का ऐसा कोई है सीन है नहीं, सीनियर से मतलब हम इंटरेक्ट करें हमने 2-3 सीनियर से, 2 मतलब ज़्यादा से ही, बट उनका मतलब जनरल सबका यही था कि नाम ही पूछा उन्होंने और यही बोला है कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो और सीनियर से इंटरेक्ट करो क्योंकि फ्यूचर में हेल्प मिलती है उससे काफ़ी। तो यही रैगिंग के रिलेटेड अभी तक तो इतना कुछ हुआ नहीं, बाकी फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो फिर देखते हैं। बाकी अभी तक के सीनियर्स तो सारे बहुत अच्छे थे और आई होप कि आगे के भी अच्छे हों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।